प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे तारक, ये क्या हवा में हारमोनियम की बजा रहे हो? वेरी फनी अंजलि। अरे हवा में हारमोनियम नहीं बजा रहा हूँ भाई, एक आर्टिकल लिखने के लिए बेताब हूँ और शब्द मेरे साथ आंख में चोली खेल रहे हैं, पकड़ में ही नहीं आ रहे, इसलिए शब्दों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मेरे हाथों से बनाई हुई चाय की चुस्की ले लो, सारे शब्द पकड़ में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच अंजलि, तुम्हारे हाथ की हर्बल टी मुझे नहीं पीनी, जो रहे से शब्द है ना वो भी दिमाग से चले जाएंगे। ये लो, इंसानियत की कोई कदर ही नहीं, इतने प्यार से मसाला चाय लेके आई और ये। एक मिनट, मसाला चाय है? हाँ। थैंक यू सो मच अंजलि, इसकी तो मुझे बहुत जरूरत थी। हाँ। वैसे किस विषय पर आर्टिकल लिख रहे हो? अंजलि सोचता हूँ कि आज तुम पे आर्टिकल लिख। सच? क्या बात है, मेरे हाथों की चाय का फटाफट असर हो रहा है। हाँ भाई, जब विषय मिलने में दिक्कत हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ इस चलते फिरते टेंशन के पिटारे पे लिख दूँ। अच्छा जी, अब आपके टेंशन के पिटारे से एक नया फरमान सुनिए। आज तक जो मैं मसालेदार थोड़ी बहुत चीजें देती थी ना, वो सारी बंद। आज से आपका डाइटिंग स्ट्रिक्टली शुरू होगा। पहले भी तो यही सब कुछ मिलता था। क्या कहा? नहीं, मजाक कर रहा हूँ अंजलि। असल में अंजलि, मैं सोच रहा था कि मैं क्या लिखूं। तब मुझे लगा कि वेकेशन के बाद जब वापस स्कूल खुलते हैं तो बच्चों को और माँ बाप को कितने टेंशन होते हैं, उस पर कुछ लिख देता हूँ। क्यों, बच्चों को क्या टेंशन? अरे बहुत टेंशन होता है अंजलि वेकेशन के अंदर, क्या है कि इतना खेलते कूदते हैं, स्कूल जाना नहीं है तो स्कूल जाने की आदत एकदम से छूट जाती है, फिर नई क्लास, नया कोर्स, नए क्लासमेट्स, सब कुछ एकदम से बदल जाता है ना, तो टेंशन तो होता ही है। और माँ बाप को नई किताबें, फीस, यूनिफॉर्म, रेनकोट, जूते, कितना सारा टेंशन। वैसे एक बात है अंजलि, तुम्हारे साथ बातचीत करके मुझे आइडियाज तो मिल जाते हैं। तो फिर इस टेंशन की पिटारे को थैंक यू कहो। क्या अंजलि, अरे अंजलि तुम भी कैसी बातें करती हो, तुम्हें थैंक यू कहने की क्या जरूरत। सच कहूं तो तुम तो जिंदगी के प्रति मेरी आस्था हो, मेरी प्रेरणा हो अंजलि। जब तुम होती हो तो मुझे लगता है मुझे किसी और चीज की जरूरत है ही नहीं। और अंजलि अगर मैं ये कहूं के बस 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 सारी तारीफ आज ही कर लोगे कि बाकी के लिए कुछ रखोगे? मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मतलब कि अब मजाक कर रहा हूं। ये ले गोगी, तेरी सारी किताबों को कवर कर दिया है और लेबल भी कर दिया। ओके, थैंक यू सोनू, वेलकम। अरे यार, वेकेशन के बाद स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा है। गोली, मन तो किसी का भी नहीं करता है, लेकिन जाना पड़ता है यार। अरे मैं स्कूल जाने से क्या मना कर रहा हूँ? तो? और स्कूल वाले खाली 6 महीने स्कूल रखे और 6 महीने वेकेशन रखे तो कितना मजा आ जाएगा ना। हाँ यार, क्या आइडिया है। गोली, ख्याली पुला पकाना बंद कर, स्कूल में 6 महीने का वेकेशन कभी नहीं हो सकता। मालूम है। हाँ वो तो है, लेकिन फ्रेंड्स इस साल का वैक्सीन कितना जल्दी खत्म हो गया ना, कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है सुबह शुरू और शाम को खत्म। करेक्ट। और टप्पू, मेरे पापा कहते हैं कि टाइम का काटा घड़ी के कांटे से भी तेज भागता है। लेकिन फ्रेंड्स कुछ भी को, इस साल के वैकेशन में हमने सबसे ज्यादा मजा किए। और इस साल का वैकेशन सबसे बेस्ट वैकेशन था। करेक्ट सोनू। या और इस साल तुमने कितनी सारी नई गेम सीखी है ना। करेक्ट। मम्मी पापा के साथ डिब्बा स्पाइस खेला। सबको पकड़ लूंगा, एक साथ डिब्बा स्पाइस करूंगा सबका। Yeah!
मजा आई थी ना। हाँ यार। लगोरी भी खेली। बहुत मजा आया था। और बौरे कुमार और हम लोग ने रुमाल दाऊ भी खेला। और हाँ सॉकली भी खेले थे। हाँ उसमें तो सबसे ज्यादा मजा आया। हाँ मैं सबसे लास्ट आउट हुआ था। कितना एंजॉय किया पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है हम कुछ मिस कर गए। गोली ये तो हमेशा खाने की तरह खेल का भी भूखा रहता है। नहीं सुनो गोली ठीक कह रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम कुछ तो भूल रहे हैं। क्या GPL बोल रहे हाँ। अरे हाँ यार GPL गोकुलधाम प्रीमियर लीग। GPL हाँ GPL कैसे भूल सकते हैं। फ्रेंड वेकेशन के अभी भी 4 दिन बाकी है। हाँ हम अभी भी गोकुलधाम प्रीमियर लीग खेल सकते हैं। लेकिन टप्पू उससे पहले हमें भीड़े अंकल को मनाना पड़ेगा। अरे हाँ भीड़े अंकल को मनाना मतलब भूखे शेर के मुंह में हाथ डालना। गोली अरे सॉरी सोनू मैं भूल गया तू इधर ही है। लेकिन फ्रेंड्स हमें GPL के लिए कुछ भी करके भीड़े अंकल को तो मनवाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ चलो भीड़े अंकल के घर। हाँ, 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 चलो चलो अंगूठे पे हथौड़ी लगी इसलिए मैं वो। लेकिन तुम लोग का मोर्चा इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है। वो भीड़े अंकल हम आपसे पूछना है थे कि हमें हमारे पुराने परंपरा का पालन करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल करना चाहिए। अरे हमारी परंपरा ही हमारी असली पहचान है। मैं तो आज भी हमारे जमाने की परंपरा का पालन करता हूँ। क्यों माधवी। अरे वो तो हमारा परम कर्तव्य है। सॉरी लेकिन इस बार आप अपना एक कर्तव्य भूल गए। कौन सा कर्तव्य गोड़ा। अरे भीड़े अंकल इस साल आपने गोकुलधाम प्रीमियर लीग का आयोजन ही नहीं किया है। आप GPL भूल गए भीड़े अंकल। GPL हाँ मैं वाकई भूल गया GPL। कोई बात नहीं बच्चों इस साल भी गोकुलधाम में GPL अवश्य होगा। एक मिनट बच्चों उत्साहित होने से पहले मेरी पूरी बात सुनो। इस साल गोकुलधाम में कोई गोकुलधाम प्रीमियर लीग नहीं होगी। हाँ लेकिन भीड़े अंकल अभी तो आपने कहा कि GPL होगा। बिल्कुल होगा लेकिन GPL से मेरा मतलब है G फॉर घर P फॉर पे और L फॉर लेसन। GPL यानी घर पे लेसन समझे। अरे यार यानी भीड़े अंकल इस साल GPL नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। अरे भीड़े अंकल प्लीज लास्ट टाइम बस लास्ट टाइम एक बार अंकल प्लीज 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 GPL में बहुत मजा आता है। एक मिनट मैंने बोला ना नहीं मतलब नहीं। और अगले सोमवार से तुम्हारी स्कूल चालू होने वाली है। सब लोग नए क्लास में जाएंगे नई पढ़ाई होगी तो उसकी शुरुआत करने की परंपरा का पालन करो। यही तुम बच्चों का प्रथम कर्तव्य है।
से इस साल सोसाइटी में कोई जीपीएल पीपीएल टीपीएल नहीं होगा, समझे? चलो जाओ। आई बाबू को समझाओ ना कि ये हमारे वेकेशन का लास्ट सैटरडे संडे है, तो वो जीपीएल का आयोजन करे प्लीज बाबा। अहो निकाय म्हणते टप्पू से ना बरोबर कह रही है, पिछली बार याद है ना जीपीएल में कितना मजा आया था। हाँ। वो होन जाओ जाना। ए मादी होन जाओ क्या होन जाओ दिया, तुम भी क्या बच्चों की बातों में आ गई? और बच्चों तुमने सुना ना मैंने क्या कहा, इस साल कोई जीपीएल पीपीएल नहीं होगा। ओके चलो मुझे मेरा काम करने दो। हाँ जरा वर्दी के क्या यार टप्पू, बीड़े अंकल ने तो जीपीएल करने से मना कर दिया। गोली सिर्फ बीड़े अंकल ने मना किया, पूरी सोसाइटी ने तो नहीं किया। अगर हम पूरी सोसाइटी को जीपीएल के लिए मना ले तो बीड़े अंकल को सबकी बात माननी है। लेकिन टप्पू सारे सोसाइटी वालों को कैसे मनाएंगे? हाँ। सोनू उसके लिए भी मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है, तो चल टप्पू आइडिया शुरू करते हैं। हाँ। नहीं गोगी उसके लिए हमें रात तक इंतजार करना पड़ेगा। रात तक इंतजार? लेकिन आइडिया क्या है टप्पू? हाँ, क्या आइडिया है? तो फ्रेंड सुनो, आज रात परफेक्ट 8:30 बजे हम सब यहाँ पर सोसाइटी कंपाउंड में मिलेंगे और फिर मुझे क्या पता, चलो देखते हैं। और लगता है आज कोई पार्टी शार्टी का प्रोग्राम है। वाह 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 वाह। भाई छोटे ये क्या भाई, फटाके फोड़ के क्यों नाच रहे हैं? थोड़ी तेरे चक्कर में मैं पॉपकॉर्न छोड़ आया। अरे रोशन भाई सू करे छे थयू सो बोल तो बाबा। अरे मैं की कितना यार। अरे सोड़ी इतनी रात को कोई इस तरह से फटाके फोड़ता है क्या भाई? नॉइज पॉल्यूशन के चक्कर में मैं तुम पर केस भी कर सकता हूँ। क्या केस कर दूंगा, मैंने क्या किया है? और यहाँ पे मैं जब आया तो देखा पटाखे फूट रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी सारा नाच लेता हूँ, लगता है कोई जश्न वश्न होगा इसलिए बल्ले 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 बल्ले। अरे भाई तूने फटाका नहीं फोड़ा तो किसने फोड़े फटाके? हम भी यही पूछ रहे हैं भाई। ऐसे अचानक कोई कैसे फोड़ सकता है फटाके, कोई दिख भी नहीं रहा आजू बाजू में। पापा हमने फोड़े। ये क्या तेरे नई शरारत है? हैं? इतनी रात को कोई फटाके फोड़ता है बिना वजह? अरे पापा वो पापा हम पूरी सोसाइटी को एक साथ बुलाना चाहते थे ना, इसलिए फटाके फोड़े थे। तो भाई ये कोई तरीका है भाई, फटाके फोड़ के सोसाइटी को बुलाओ? मैं मुझे सोसाइटी में किसी को बुलाओ तो फटाके फोड़ने पड़ेंगे मुझे। लेकिन बेटा टप्पू सबको एक साथ बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई? हाँ वो मैं तो अंकल पूरी टप्पू से ना चाहती है कि पिछले साल की तरह भी इस साल जीपीएल हो। हाँ। हम लोगों ने लास्ट टाइम मिस किया था, इस बार मजा आ जाएगा। सही बात है। अरे कोमल भाभी आपने ही नहीं मैंने भी मिस किया था, मैं कहाँ खेल पाया था पिछली बार, जरूर जरूर होना चाहिए जीपीएल। ओ ये तो बहुत ही चंगी गल है, बल्ले 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 बल्ले। करते हैं जीपीएल।
और इस बार तो बाप ना बोलते कहो जो मैं तुझे हरा कर रहूंगा। जेठालाल हराओगे तभी ना जब GPL होगा। अरे भाई भिड़े, लेकिन क्यों नहीं होगा सोसाइटी में GPL? बोली ना भिड़े भाई, क्यों? मेहता साहब, सोसाइटी में फंड ही नहीं तो GPL कहाँ से होगा? या भाई कुछ नया बोल, नया बोल। जब भी बोला तभी फंड नहीं है, फंड नहीं है। ऐसा फंड जाता किधर है भाई? अरे भाई खर्चा बहुत होता है जेठालाल, उसमें फंड का उपयोग किया जाता है। अरे भाई तो खर्चे को थोड़ा कंट्रोल करो, अपनी जरूरत को थोड़ा काबू में रखो। अपनी जरूरत मतलब? मैं कोई पर्सनल काम के लिए यूज नहीं करता हूँ फंड को, सोसाइटी का जो खर्चा होता है ना उसमें काम आता है ये फंड। भाई भिड़े, हाँ अगर हिसाब किताब बता दो तो सबको आसानी रहेगी कि आखिर पैसा जाता कहाँ है। बराबर। और क्या? हाँ सब जाता किधर है, ये हिसाब तो कभी देता नहीं है। जवाब दे, बोल बोल। मेरे पास जवाब और हिसाब दोनों तैयार है जेठालाल। अभी 2-3 महीने पहले की बात है, ये आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो टेम्पो फंस गया था उसकी वजह से जो नुकसान हुआ था ना, वो नुकसान सोसाइटी फंड से ही रिकवर हुआ है। उसके बाद जो आपने फेंसिंग किया था ना, वो भी खर्चा सोसाइटी फंड से ही हुआ है भाई। अभी सोसाइटी में कलरिंग करवाया, टेरेस पे वाटर प्रूफिंग करवाया, ये सब खर्चा सोसाइटी फंड से ही गया है। इसके अलावा हम लोग जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो भी खर्चा सोसाइटी फंड से ही होता है। अगर इसके बावजूद भी हम लोग GPL का आयोजन करेंगे तो उसका 50-60 हज़ार रुपए का खर्चा होगा, वो कौन देगा? जवाब दो। सही बात है। नहीं नहीं भाई, बराबर है, खर्चा तो हुआ है भाई, बहुत खर्चा हुआ है सोसाइटी का। सॉरी यहाँ भिड़े, सॉरी। भाई दोस्तों, फंड कहाँ जाता है इसका इतना डिटेल में भिड़े ने जवाब दे दिया। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए कि भाई सोसाइटी के पास पैसा नहीं है। अब GPL करेंगे तो बहुत खर्चा होगा, इसलिए हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस साल का GPL कैंसिल। बिल्कुल। एक मिनट मेहता साहब, एक मिनट। अगर आपने GPL कैंसिल ऐसा बोला तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा, दुनिया हिला दूंगा मैं। क्या मतलब? ये क्या बात हुई बबटलाल, तुम मुझ पे केस कर दोगे? नहीं, गोकुल धाम सोसाइटी में कैंसिल शब्द बोलने का अधिकार सिर्फ पत्रकार पोपटलाल को है। कायरे बाबा पोपट भाऊजी। अच्छा कह रही बोलते दोस्त। इसलिए मैं पत्रकार पोपटलाल ये ऐलान करता हूँ कि इस साल गोकुल धाम सोसाइटी में GPL कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। तीन तीन बार क्यों बोल रहे हैं? डिब्बा कहीं का। थोड़ा ऐसे इफेक्ट के लिए। वेरी गुड पोपटलाल, आज सही मौके पर तुमने कैंसिल शब्द का इस्तेमाल किया है। तो भाई मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े ये ऐलान करता हूँ कि इस साल गोकुल धाम में GPL नहीं होगा। हाँ चलो सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय। चलो बेटा, चलो बेटा जल्दी घर पर आओ, रात हो गई है। मम्मी मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। बच्चे मायूस हैं, टप्पू सेना मायूस है, आखिर क्यों न हो मायूस? एक वाक्य सुनने के बाद वो खुश कैसे रह सकते हैं कि GPL यानी कि गोकुल धाम प्रीमियर लीग इस वर्ष गोकुल धाम में नहीं होगा? ये एक वाक्य बहुत है उन्हें निराश करने के लिए, और सच पूछिए तो उन्हें देख के मैं भी उदास हूँ। भाई जो बच्चे करना चाहते हैं न करें तो बड़े कैसे खुश रह सकते हैं? हमारा उदास होना स्वाभाविक है। वेकेशन में बच्चे चाहते हैं कि वो खूब खेलें, खूब कूदें, खूब दौड़ें, आखिरी मोमेंट तक उसे वेकेशन बनाए रखें, छुट्टियां बनाए रखें। वो चाहते हैं कि स्कूल खुलने के पहले वो सब कुछ कर लें जो उन्होंने छुट्टियों के लिए सोचा है, और अगर वो नहीं होता तो बड़े उदास होते हैं। आप अपने जमाने की, मेरे जमाने की वेकेशन याद कीजिए, जब हम वेकेशन में सिर्फ खुशियां मनाते थे, खेलते थे, कूदते थे, दौड़ते थे, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई प्रेशर नहीं। और आज आपने और हमने हमारे बच्चों की छुट्टियों को छुट्टियां नहीं रहने दिया है, वो सब कुछ करवा लेना चाहते हैं उनसे जो छुट्टियों में वो नहीं करना चाहते। भाई ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, अगले साल की क्लासेस की पढ़ाई पहले कर लो। ऐसा मत कीजिए, बच्चों की छुट्टियों को छुट्टियां रहने दीजिए, उनके चेहरों की हंसी जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर बच्चे उदास हो जाएंगे तो ये दुनिया खामोश हो जाएगी, इसलिए बच्चों की हंसी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम उन्हें खुश रखेंगे, प्रेशर में नहीं डालेंगे, तो वो देखिए हमारे लिए कितनी खुशियां लाते हैं। लेकिन इस वक्त गोकुल धाम के बच्चे टपू सेना निराश है कि भाई GPL नहीं होगा। आपको क्या लगता है? लेकिन मुझे तो ये लगता है कि भाई बच्चों की प्रार्थना है तो भगवान भी सुनता है। आप क्या सोचते हैं, GPL होगा या नहीं होगा?
भाई ये क्या होता है, ये तो तभी पता चलेगा जब आप अगला एपिसोड देखेंगे। लेकिन उसके पहले बच्चों के चेहरों पे हंसी रखिए और आपके लबों पे मुस्कुराहट, और तब तक देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए जीपीएल होगा या नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।